चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से ऑल वेदर रोड निर्माण कटिंग पर लगाई गई रोक के आदेशों को ठेकेदार व निर्माणदायी कंपनियां ठेंगा दिखा रही है। चार धाम यात्रा राष्ट्रीय राजमार्गों पर भारी मशीनों से कटिंग के दौरान लगने वाले जाम से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चार धाम यात्रा के चलते प्रदेश सरकार की ओर से ऑल वेदर रोड निर्माण कटिंग पर लगाई गई रोक के बावजूद ठेकेदार व निर्माणदायी कंपनी अपनी मनमानी करते हुए वाहनों को रोक कर कटिंग कर रही है। हमारे चंबा से 20 मिनट से हम यहाँ खड़े हुए हैं, इन्होंने बेवजह ट्रैफिक रोक रखा है। जाना कहाँ है? हमें जाना है जी ऋषिकेश, ऋषिकेश से फिर आगे जाना है हरिद्वार। आपको बता दें कि 30 अप्रैल से ऑल वेदर का काम पूरी तरह रोक दिया गया था, उसके बावजूद कई कंपनियों के ठेकेदारों द्वारा अभी भी कटिंग का काम करवाया जा रहा है, जिससे चार धाम यात्रा में आने वाले यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले शासन की ओर से कहा गया था कि पहाड़ों पर कोई कटिंग का कार्य नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद ऑल वेदर रोड पर काम कर रही कार्यदायी संस्था पहाड़ों की कटिंग कर रही है, जिसमें न सिर्फ चार धाम जाने वाले तीर्थ यात्रियों को जाम जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि दो पहिया वाहन भी पहाड़ों से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आ रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर जब खबर इंडिया के संवाददाता SDM नरेंद्र नगर से इस बारे में बात करने गए तो SDM साहिबा ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। प्रशासन की नाक के नीचे ठेकेदारों की मनमानी चल रही है, वहीं प्रशासन को कोई खबर ही नहीं। आखिर कब तक प्रशासन इस तरह चैन की नींद सोता रहेगा और इन रास्तों से गुजरने वाले राहगीरों पर पहाड़ी आफत तांडव करती रहेगी।